भाई लोग, टाइम्स नाउ इंग्लिश न्यूज़ चैनल का एक खबर चला जिसमें बोले का कौन टैलेंट एजेंसी है एक, जिसमें उन्होंने ये खबर चलाया कि सलमान खान, जी हाँ सलमान खान का पैसा इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। जी हाँ, इसमें जितना ये कंपनी में जो जिसका भी पैसा लगा उसमें सलमान खान का भी पैसा, ऐसा उन्होंने एक खबर चलाया। तो कौन जो टैलेंट एजेंसी ये जो है, इसमें कुछ अभी जो दीपिका पादुकोण को लेके ड्रग का मैटर जो चल रहा है तो उसमें ऐसा कुछ ना मारा, तो उसको लेके सलमान खान के लेके एक न्यूज़ चलाया टाइम्स नो वाले ने। तो भाई उस पर निखिल द्विवेदी उन्होंने एक ट्वीट किया, उनको जवाब दिया कि आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सलमान खान का इसमें कुछ भी पैसा वगैरह नहीं है, ये एक फेक न्यूज़ है और टीआरपी की वजह से ही ये न्यूज़ को चलाया गया है। तो फिर सलमान फैंस लोग गुस्सा हो गए और फिर उनके खिलाफ ट्रेंड शुरू हो गया। जी हाँ, अभी ट्विटर पे ट्रेंड चालू है टाइम्स नो न्यूज़ चैनल के खिलाफ। तो भाई लोग, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि सलमान खान के नाम पे फेक न्यूज़ चलाने वाले बहुत हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात टीआरपी को लेकर आ जाती है। जी हाँ, टीआरपी के मामले में अगर बात की जाए तो सलमान खान का नाम से टीआरपी मतलब कि लेने की सब कुछ सब जुगाड़ में लगे रहते हैं कि किसी भी तरह टीआरपी हमारी जो है बढ़ जाए। और बहुत सारी खबर चलाते हैं वो लोग तो टीआरपी नहीं मिल पाती है, मगर दूसरे चैनल को देखते हैं कि सलमान खान की खबर चल रही है, क्यों ना मैं भी कुछ फेक न्यूज़ और कुछ अलग ही सलमान खान का नाम लेके टीआरपी को अपना बढ़ा लूँ, ऐसा खबर सोच पैदा रखते हैं ये चैनल वाले। तो देखो, मैं चैनल वाले को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग अंदर की खबर निकालो, सच्चाई निकालो, कहाँ ये सच्चाई कितनी है क्या है हमको पता नहीं है, लेकिन जो हिसाब से ट्रेंड हो रहा है, जितनी जानकारी मिल रही है, मैंने भी गूगल पे सर्च किया, ऐसा कुछ नहीं आ रहा। तो जाहिर सी बात है, यह टीआरपी का चक्कर ही है, टीआरपी के चक्कर में ना ये कहाँ तक गिरेंगे चैनल वाले हमको पता नहीं है। भाई बहुत बहुत गिर चुके हैं चैनल वाले टीआरपी को लेकर, मतलब टीआरपी का भूखा हो गए। तो कुछ लोग ना ट्विटर पे मैंने देखा तो कुछ लोग तो यहाँ तक उसमें ट्वीट करके बोल रहे हैं कि अरे यार, तुम सलमान के सपोर्ट कर रहे हो, सलमान खान तुम्हारे लिए भगवान है क्या, भगवान है तुम्हारा सलमान, खुदा है तुम्हारा सलमान। तो मैं बोल दूँ आप लोगों की कि हम लोगों का खुदा है या ना है ये तो नहीं पता, और मैं तो यही बोलूँगा कि हम लोगों का खुदा भगवान तो सलमान नहीं है, क्योंकि खुदा भगवान सिर्फ एक ही है जिस दुनिया बनाया और जो इंसान को बनाया है। लेकिन ये जो टीआरपी के चक्कर में ना, तो हमको तो लगता है कि टीआरपी जो सलमान के नाम पर लेना, शायद वो सलमान खान को भगवान मान चुके हैं, शायद इसलिए वो हर न्यूज़ पे सलमान ही बताते हैं, इसलिए ताकि उनकी टीआरपी बनी रहे। तो भाई लोग, मैं यही बोलूँगा कि कितनी सच्चाई है क्या है ये एजेंसी जांच करेगी, उभरेगा सामने आएगी। जैसे यार देखो भाई, कोई भी इन्वॉल्व है क्या है ड्रग्स के मैटर में, जैसे जैसे सामने आ रहा, किसी का व्हाट्सअप चैटिंग सामने आ जा रहा, किसी का मैसेज सामने आ जा रहा, तो धीरे धीरे नाम आ रहा। भाई क्यों आप इतना हड़बड़ाए हो, आएगा नाम, जो इन्वॉल्व होगा वो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, जो भी हो, कोई सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, जो भी इन्वॉल्व होगा ना उसको अंदर डालेगा। यार हमारा देश का कानून बहुत ऊंचा कानून है, समझे ना। तो भाई फेक न्यूज़ पर सावधान रहे, और फेक न्यूज़ को आप लोग फॉलो ना करें, बस इतना ही बोलूँगा। बस भाई इतना ही, कैसी लगी ये वीडियो शेयर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।